हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर दिया जाता है तब वो उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि देखिए, संख्या हम 4 लेते हैं, अगर 4 को हम 4 में ही गुना कर दें तो उसका जो गुणनफल होगा 16, वो उसका वर्ग होगा। फिर उसी तरह से अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 गुना 5 तो ये हो जाएगा 25। तो 25 जो है वो 5 का वर्ग हुआ यानी कि स्क्वायर हुआ। तो चलिए 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सीखते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका गुणनफल होगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 लिखेंगे तो 1 एकम 1 यानी कि 1 का वर्ग होगा 1। 2 का वर्ग होगा 4। 3 का वर्ग होगा 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 100। फिर उसी तरह से 11 का वर्ग यानी कि 11 गुना 11 करेंगे तो 11 का गुना 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 121 यानी कि 11 का वर्ग होगा 121। उसी तरह से 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 361। 20 का वर्ग 400। 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग 484। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576। 25 का वर्ग 625। 26 का वर्ग 676। 27 का वर्ग 729। 28 का वर्ग 784। 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग 900। तो फ्रेंड्स, ये रहा 1 से 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग। आप इसे कॉपी पर लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए। तो आई होप कि आपको 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।